दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए गायकी के भगवान कहे जाने वाले बॉलीवुड के मशहूर गायक मोहम्मद रफ़ी साहब के एक सुपरहिट गीत लेकर आया हूँ, जिस गीत को बॉलीवुड के मशहूर गायक मोहम्मद अजीज साहब, उदित नारायण साहब और कुमार सानू साहब, इन तीनों सिंगरों ने अपनी आवाज़ दी है। वैसे तो मोहम्मद अजीज साहब ने मोहम्मद रफ़ी साहब के तकरीबन जितने भी सुपरहिट गीत हैं सभी गीतों को अपनी आवाज़ दी है, और उदित नारायण साहब ने भी मोहम्मद रफ़ी साहब के बहुत सारे गीत हैं जिन्हें अपनी आवाज़ दी है। लेकिन दोस्तों कुमार सानू साहब ने भी मोहम्मद रफ़ी साहब के कई ऐसे सुपरहिट गीत हैं जिन्हें अपनी आवाज़ दी है। वैसे तो ज़्यादातर कुमार सानू साहब को किशोर कुमार साहब के गाने के लिए ही जाने जाते हैं, लेकिन कुमार सानू साहब ने मोहम्मद रफ़ी साहब के गीतों को भी अपनी आवाज़ दी है। तो दोस्तों आज स्पेशली मैं आप लोगों के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब का एक बहुत ही खूबसूरत गीत लेकर आया हूँ, जिस गीत को मोहम्मद अजीज साहब, उदित नारायण साहब और कुमार सानू साहब, इन तीनों सिंगरों ने अपनी आवाज़ दी है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप लोगों को 1973 की फिल्म अभिमान तो याद ही होगा, और इस फिल्म के सभी गाने बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुए थे, और ये फिल्म जो है वो अमिताभ बच्चन और जया भादुरी जी की पिक्चराइज फिल्म है, और इस फिल्म में एक गीत था जो कि 70 के दशक में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, और मेरे ख्याल से आप लोगों ने भी गीत सुने ही होंगे। गीत के बोल हैं, तेरी बिंदिया रे, हाय हाय तेरी बिंदिया रे, और इस बहुत ही खूबसूरत गीत को मोहम्मद रफ़ी साहब और लता मंगेशकर जी की जोड़ी ने अपनी आवाज़ दी, और इस फिल्म का संगीत सुप्रसिद्ध संगीतकार एच डी बर्मन साहब ने दिया, और लिरिक्स मजरू सुल्तानपुरी साहब ने दिया। लेकिन दोस्तों क्या आप लोगों को पता है, इस सुपरहिट गीत को बॉलीवुड के मशहूर गायक मोहम्मद अजीज साहब, उदित नारायण साहब और कुमार सानू साहब ने भी अपनी आवाज़ दी है, जिसके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। तो ये पहले बात करते हैं हम लोग हमारे हर दिल अजीज मोहम्मद अजीज साहब के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी साहब के तकरीबन जितने भी हिट गीत हैं सभी गीतों को मोहम्मद अजीज साहब ने अपनी आवाज़ दी है, और इस गीत को भी मोहम्मद अजीज साहब ने अपनी आवाज़ दी है। दोस्तों एक एल्बम आई थी, एल्बम का नाम है हम सब हिट हैं, और ये एक नॉन स्टॉप एल्बम है, और इस एल्बम में इसी गीत को बहुत ही अपनी बेहतरीन आवाज़ में मोहम्मद अजीज साहब और सोनाली वाजपेयी जी ने अपनी आवाज़ दी, जो कि एक बहुत ही रेयर है। तो ये एक झलक इस गीत की तरफ। और दोस्तों इस बहुत ही खूबसूरत गीत को बॉलीवुड के मशहूर गायक उदित नारायण साहब ने भी अपनी आवाज़ दी है। एक प्रोग्राम में उदित नारायण साहब ने इस गीत को बहुत ही अपनी बेहतरीन आवाज़ में अपनी आवाज़ दी है, और इस गीत को उदित नारायण साहब और साधना सरगम जी की जोड़ी ने अपनी आवाज़ दी, जो कि एक बहुत ही रेयर है। तेरी बिंदिया रे, हाय हाय तेरी बिंदिया। और दोस्तों बात करें मोहम्मद रफ़ी साहब के सुपरहिट गीतों की, तो कुमार सानू साहब ने भी मोहम्मद रफ़ी साहब के कई ऐसे सुपरहिट गीत हैं जिन्हें अपनी आवाज़ दी है, और उन्हीं गीतों में से एक है तेरी बिंदिया रे, हाय हाय तेरी बिंदिया रे, और इस गीत को भी कुमार सानू साहब ने एक प्रोग्राम में अपनी आवाज़ दी है, जिन्हें आप चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। तो ये एक झलक इस गीत की तरफ। तेरी बिंदिया रे, हाय हाय तेरी बिंदिया। दोस्तों यही मोहम्मद रफ़ी साहब का सुपरहिट गीत है, जिस गीत को बॉलीवुड के इन तीनों नामी सिंगरों ने अपनी आवाज़ दी है। तो दोस्तों आप लोगों को मोहम्मद रफ़ी साहब का ये सुपरहिट गीत जो है वो इन सभी सिंगरों के आवाज़ में कैसा लगा, एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यूँ तो और मोहम्मद रफ़ी साहब के कई ऐसे सुपरहिट गीत हैं जिन गीतों को इन सिंगरों ने अपनी आवाज़ दी है। फिलहाल आप लोगों को ये जानकारी जो है वो कैसा लगा, एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों हमारे वीडियो वॉचिंग करने के लिए।